हर हर महादेव। मैं महागुरु गौरव आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष आपके लिए सुख में मंगल में रहे, ये मेरी कामना है आप सभी के लिए। आशा करता हूँ जितने मैं उपाय हर वीक आपको बताता हूँ और जो आपका राशिफल बताता हूँ वीकली, उन उपाय को आपने अपने राशिफल के हिसाब से अपने सप्ताह को अच्छा बनाने के लिए उपाय किए होंगे। इस साल नए वर्ष में, नए साल के लिए डिफरेंट राशियों के लिए कुछ मैंने नए उपाय भी हर एक राशि के साथ में इंक्लूड किए हैं, जो हर राशि के साथ में मैं बताऊंगा। बात करते हैं मीन राशि के बारे में। मीन राशि के स्वामी हैं गुरु। शुभ रत्न है पुखराज। शुभ रुद्राक्ष है पांचमुखी रुद्राक्ष। शुभ दिशा है उत्तर पूर्व की दिशा। इस सप्ताह सितारे इस राशि के जातकों के साथ हैं। कार्यक्षेत्र में आपको अच्छा पद मिल सकता है। आमदनी में भी वृद्धि के प्रबल योग हैं। पिछले साल से कुछ समय से जो चली जा रही बाधाएं हैं वो दूर होंगी। व्यापारी वर्ग का कारोबार में इजाफा पॉसिबल है। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन या आय में वृद्धि के भी योग बनते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए समय अनुकूल है। वैवाहिक जीवन के लिए समय सप्ताह शानदार रहने वाला है। पारिवारिक जीवन मिला जुला रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल नहीं है। छात्रों की पढ़ाई में कई प्रकार की चुनौतियाँ आ सकती हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से सप्ताह सामान्य रहेगा। तली भुनी चीज़ों को आपको परहेज करना है। अपनी सेहत का ध्यान रखना है। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। तो देखा जाए सप्ताह एक एवरेज सप्ताह है। सप्ताह को अच्छा सप्ताह कैसे बना सकते हैं जानते से कुछ उपाय। इस राशि के जातकों के लिए माता दुर्गा की आराधना कर भोग लगाकर आशीष लेना शुभकारी व कल्याणकारी रहेगा। भगवान राम और भगवान विष्णु की पूजा करें, पीला चंदन लगाएं। गुरुवार के दिन उपवास रखें। केले के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं और केला खाने से परहेज करें। गले के अंदर भारंगी की जड़ को धारण करना शुभकारी रहेगा। घी आलू और कपूर का मंदिर में दान करना शुभकारी रहेगा। साधु व पंडितों को वस्त्र दान करने से भी राहत मिलेगी। शराब से आपको परहेज करना है। धार्मिक स्थलों पर बादाम का दान करना शुभकारी रहेगा। सोने के आभूषणों को धारण करना शुभकारी रहेगा। साधु पंडितों को वस्त्रों को दान करने से भी आपको अच्छा फील होगा। कुष्ठ रोगों की सेवा करना, शाम को खाने के पश्चात कुत्ते को रोटी देना, सुबह की शुरुआत माता के चरण स्पर्श से करना। यदि ये उपाय इस राशि के जातक करते तो आने वाला सप्ताह एक अच्छा सप्ताह साबित होगा। तो इस साल के लिए मैंने और इस साल जो सप्ताह शुरू हो रहा है इसके लिए मैंने आपको कुछ उपाय बताए। ये उपाय यदि आप साल भर करते रहते हैं तो जो भी नेगेटिव प्लैनेट के कंजंक्शन आपके राशि के अंदर एक मैलेफिक इम्पैक्ट देते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर जीवन में कुछ उथल पुथल आ सकती है, स्वास्थ्य से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड, ये समस्याएँ सब इन उपायों से दूर होंगी। इन समस्याएं आपके जीवन में ना आए। 2018 आपके लिए शुभकारी और कल्याणकारी साबित हो। आपको हर प्रकार की समृद्धि सुख प्राप्त हो। आप खुशहाल रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं महागुरु गौरव नमस्कार।